अच्छी खबर है, नौजवान वुगला को कानून की आगाही देने के बारे में तरबियती प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन लीगल एजुकेशन हाई कोर्ट बार हसीब उल्लाह खान की जेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, नौजवान वकला के लिए खुशखबरी है कि लाहौर हाई कोर्ट बार के चेयरमैन लीगल एजुकेशन एंड एडीआर कमेटी हसीब उल्लाह खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में उनके लिए जदीद कवानीन पर मुश्तमल लेक्चर्स कराने का अहतमाम किया गया है। और ये खुशखबरी है क्या 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 लेक्चर्स होंगे, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी और एडीआर कमेटी हसीब उल्लाह खान से। हसीब उल्लाह खान, एक तो आपको मुबारक हो कि आप को एक कमेटी का जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीगल एजुकेशन कमेटी है उसका भी चेयरमैन बना दिया गया है, एक तो मुबारकबाद, और दूसरा ये बताएं कि जो नौजवान वकला है उनके लिए क्या क्या इकदाम करना चाह रहे हैं आप? हम कोशिश कर रहे हैं कि वकला को मैक्सिमम लॉस की तालीम दी जाए। इस हवाले से हमारे वीकली लेक्चर शुरू हो रहे हैं ईद के फौरन बाद, उसमें सिविल ट्रायल है, बैंकिंग लॉज हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अलावा हम लोगों ने शुरू किया है ऑनलाइन जो लॉज हैं उनके मुताबिक बताना कि कैसे फाइल करते हैं हम एनटीएन, कैसे हम रिटर्न एनटीएन के साथ साथ हम इनकम टैक्स रिटर्न, उसके साथ साथ एससीसीपी में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है। तो हमने भी मुतवातर लेक्चर जो हैं वीकली रखे हैं, और अब मुझे पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो इंशाल्लाह वहाँ भी हम दोनों फॉरम को मिला के एक प्रोग्राम ज़रूर अरेंज करा किया करेंगे, जो कि 15 दिन बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इनको अरेंज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हसीब उल्लाह खान एडवोकेट जो बता रहे थे कि नौजवान वकला के लिए लेक्चर्स का अहतमाम किया गया है लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ साथ। ये प्रोग्राम जो है उनका ये कहना है कि जो दीगर जो हैं जगह पे भी किए जाएंगे, और इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उनका ये कहना है कि इस हवाले से आगाही प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, और इसका आगाज़ जो है उसके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। और आपका बहुत शुक्रिया।